हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज का एक्चुअली जैसा कि टॉपिक है, आप लोगों को छोटी सी एक अपडेट देनी थी कि जो है वो सेटअप वगैरह मेरा चेंज हो गया। एक्चुअली ये मेरा पुराना घर है जहाँ पे मैं रहता था, तो जो आप शुरू से सेटअप देखते आ रहे हैं वो मेरे नए घर का है। तो हुआ ये कि ये वाला घर जो है वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाली पड़ा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि चूँकि गर्मी आ रही है तो अपने सेटअप को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं दिखाऊंगा, अपना जो है वो सेटअप पूरा दिखाता हूँ कि मैंने कैसे शिफ्ट किया। और आपको जो है वो कुछ हिदायत देनी थी कि अगर आप लोग अपना जो है वो सेटअप शिफ्ट करें तो आपको जो है वो कौन सी एक दो तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो है वो आपके अगर बजरी के किसी भी पेड़ के जो हैं वो नीचे अंडे या चिक्स हैं तो वो उनको जो है वो ख़राब ना करे, या उनको फीड करवाना ना छोड़ दे बल्कि उनको फीड भी करवाए और उसके साथ साथ जो है उन्हें अच्छे तरीके से पाले, और बच्चों के जो मरने की रेशो है वो ज़ीरो या बिल्कुल मिनिमम हो जाए। तो चले आए, आपको जो है वो मैं अपना सेटअप दिखा देता हूँ। तो जैसा कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली किचन था हमारा। खोल चुका हूँ, तो ये किचन था हमारा, अगर आप देख सकें तो। और पहले मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरे घर की तरह यहाँ बिल्लियाँ बहुत आती हैं। ओके, सो ये अगर आपको पिंजरा देख लिया हो, एक्चुअली किचन के साथ जो है वो हमारा कम राहदारी से टाइप सी है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह लगी हुई थी, तो अब तो नहीं है खैर। तो ये वाला पिंजरा आपको पता होगा, ये फ़िलहाल एक्चुअली खाली है। इसके अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ कि फिंचे ला के छोड़ूँ या फिर डायमंड डव जो है वो स्टार्ट करूँ। तो अभी कुछ आइडिया मेरा बन नहीं रहा, तो इंशाल्लाह अगर आप कमेंट्स करें कि आपको किस चीज़ की ब्रीडिंग चाहिए इस मौसम में। अगर मैं आपको बताऊँ तो इस मौसम में जो है वो डायमंड डव भी अच्छी ब्रीड करती है कॉलोनी में, और फिंच जो है वो भी कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करती है। कॉलोनी में जो है और सिंगल केज में जो फिंच का ताल्लुक है, जहाँ तक वो मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और अगर ये हमारा कमरा था बरामदा टाइप, तो पंखा मैं बंद कर देता हूँ ताकि उसकी आवाज़ ना आए, क्योंकि गर्मी यहाँ पे थोड़ी सी है तो मैंने पंखा चलाया हुआ कूल डाउन करने के लिए। एक्चुअली आपको पेयर्स पता लग रहे होंगे कि कौन कौन से हैं, मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो और एक्चुअली हुआ ये है कि आपको ये डायमंड डब वाला पेयर पता होगा जो मैंने आपको दिखाया था। हुआ ये कि मैं इनको एक ही केज में ला रहा था क्योंकि मेरे पास एक्चुअली जो जितनी भी जालियाँ पड़ी थी उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो कॉकटेल और एक दो पेयर आ गए थे, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको पेयर को जो है डायमंड डव के वो एक ही पिंजरे में, इस पिंजरे में शिफ्ट किया, और इनके साथ कॉकटेल मैंने हटा दिए थे। दूसरे बजरी के जितने जोड़े थे मेरे पास वो मैंने डाले हैं। तो हुआ ये है कि अल्लाह खैर करे, ये अगर आप ऊपर फीमेल देख रहे हैं, शायद आपको इसके मुंह पे लगा हुआ खून नज़र आए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे होंगे मुझे, लेकिन 10 से 15 मिनट में इसने जो है वो उसका सारा सर गंजा करके तकरीबन खूनम खून कर दिया था, जो वो उल्टी पड़ी हुई थी और बेचारी मर गई थी। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको यहीं रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका जो है इसी मंथ जो है मैं इसका मेल लेके आऊँगा। ये फ़ीमेल है, आपको जो है इंशाल्लाह वीडियोस में इनका मेल फीमेल का डिफरेंस भी बताऊंगा। और अगली जो मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ वो इंशाल्लाह ब्रीडिंग के ऊपर होंगी, और कबूतरों से थोड़ा हटके मैं बर्ड्स पर आऊँगा, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि मैं कबूतरों के हवाले से काफ़ी हद तक जो है वो प्रिजर्व नहीं रहना चाहता। मैं बर्ड्स का चैनल है तो इंशाल्लाह जो है वो तमाम बर्ड्स का मैं जो है आपको ब्रीडिंग के हवाले से भी बताऊँगा। जैसे कि अब ये देख लें, अब इस पेयर का आपको पता था कि इसके 4 बच्चे हैं, तो मैं आपको एक्चुअली पहले बच्चे दिखा दूँ अगर आप देख सकें, अगर आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर बच्चे। एक मिनट मैं जो है फ्लैश ऑन कर लूँ एक। ओके, फ्लैश ऑन कर लिया मैंने, तो मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ अभी।
अगर आप देख सकें, ये देखें बच्चे हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर, और मुझे यहाँ पे शिफ्ट किए हुए 2 दिन हो गए हैं, तो बच्चों को ये जो है पेयर फीड करवा रहा है। तो इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कैसे शिफ्ट करना है। एक्चुअली अगर आप तो ये देख सकें तो ये वाला पेयर निचले खाने में था और इसके नीचे जो है ये पड़ा हुआ था पिंजरा। तो मैंने ऐसा ही किया क्योंकि इसके नीचे मैंने केज रखा है, इसी के अंदर ला के ये देखें। ये अगर आप देख सकें खुमरों के बच्चे जो हैं माशाल्लाह से, वो भी बिल्कुल जो है वो सेहतमंद हैं, बल्कि अब ये तो सेल्फ हो गए हैं, तकरीबन सेल्फ हो गए हैं। और जो फीमेल है वो अंडों पर आई भी है, तो उसकी झोल जो है वो काफ़ी भारी हुई पड़ी है, तो इंशाल्लाह वो भी अंडे दे देगी। तो खुमरे और कबूतर जो हैं मोस्टली अगर अच्छा पेयर हो तो वो किसी और जगह ले जाने पर भी अपने बच्चों को जो है वो फीड करवा देता है, लेकिन बजरी में ऐसा नहीं होता। बजरी में जो है वो अगर आप ज़रा सा भी हिला दें तो बाज़ औक़ात होता ये है कि फीमेल जो है वो अंडे बाहर फेंक देती है या अपने बच्चों को जो है वो मार देती है या फीड करवाना बिल्कुल जो है वो छोड़ देती है। तो बाप ने करना ही है कि जैसे आप सबको पता था कि इस केज में जो है वो पेयर वो रखा हुआ है, तो मैंने किया ये कि मैंने मटकी भी वो उसी जगह लगाई है और उसी केज के ऊपर रखा है ताकि उतनी ही हाइट बन जाए और उनको जो है वो फ़र्क महसूस ना हो कि हम कहीं और आ गए हैं, क्योंकि मोस्टली बाहर का जो माहौल है वो मैटर नहीं करता अनलेस कि आपका जो केज का माहौल है वो सेम रहे। क्योंकि आप देख सकते हैं केज का जो माहौल है वो बिल्कुल सेम है, अगर आप देख सकें केज का माहौल जो है वो बिल्कुल सेम है, मटकी भी उधर लगी हुई है और इसके साथ साथ जो है वो दाना पानी बिल्कुल सही वहीं पे लगा हुआ है। मैंने एक्चुअली ऊपर से जो है वो ढक्कन हटा दिया इसके, सिर्फ एक ये मस। तो आपने करना ये है कि आपने पेयर भी वही उसी केज के अंदर छोड़ना है, उसी खाने के अंदर छोड़ना है। बच्चों की जो मटकी है आपने वो भी उधर ही लगानी है, अगर उसके अंदर अंडे हुए या बच्चे हुए तो इंशाल्लाह जो है वो पेयर उन्हें जो है वो फीड करवाएगा, और अगर अंडे हैं तो उसके ऊपर बैठ जाएगा, वो इतना बड़ा इशू आपके लिए नहीं बनेगा। इसी तरह किसी केज के अंदर भी, किसी मटकी के अंदर भी अगर अंडे और बच्चे होते, मैंने आपको एक्चुअली एक की मिसाल दी है, और अगर आपके पास केज वाले काफ़ी सारे खाने हैं और अगर आपके पास कॉलोनी है तो अगर आप कॉलोनी भी शिफ्ट करें तो आपने उनकी मटकी उसी जगह लगानी है जिस जगह वो पहले लगी हुई थी, और उस पेयर को छोड़ देना, तो वो एक्चुअली अपनी मटकी में बगैर किसी हिल यानी कि मसले के वो उस मटकी में चला जाएगा। और बस ये एक्चुअली एक छोटी सी टिप देनी थी मैंने। और कॉकटेल का माशाल्लाह से ब्रीडिंग सीज़न आ गया, क्योंकि आप सबको अगर पता हो तो कॉकटेल थोड़े गर्मी के पक्के होते हैं, गर्मी में ये एक्चुअली अच्छी ब्रीड करते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा फसला करते हैं। और उसके साथ एक ये कमरा था, इसका जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मैंने क्या रखे हुए हैं। जैसा कि आप ये ले देख सकते हैं, ये देखें एक्चुअली अगर आप देख सकें तो ये देखें, ये जितने भी कबूतर हैं तो वो मैंने जो है वो इस जगह शिफ्ट करती हैं अपने, अगर आप देख सकें। एक जोड़ा ऊपर है, ये वाला जोड़ा भी आप देख सकती हैं, एक ये मेल है और एक ये फीमेल है, और इसके साथ साथ ये पट्टा है जिसे मैं उड़ाता था, ये माशाल्लाह से 3 कली का हो गया है, चौथी कली इसने गिरा दी है, तो 10-15 दिन में ये वैसे मेल है, मेल पट्टा है, तो 10-15 दिन में जो है ये भी अपनी जो है वो टकने वाले जो है वो सीज़न पर आ जाएगा, यानी कि वो टकना शुरू कर देगा। जिसका इसका पेयर तो मैं फिर इस फीमेल के साथ लगाऊंगा, ये वाली जो मैंने पकड़ के आपको थोड़ी बहुत परख दिखाई थी जिसकी, तो इस मेल पट्टे का पेयर मैं इसके साथ लगाऊंगा और इंशाल्लाह इनके बच्चे उड़ाऊंगा। और ये वाला जो पेयर अगर आप देख सकें तो ये दोनों पेयर जो हैं ये माशाल्लाह से अंडे देने वाले हैं, एक ये वाला पेयर भी है जिसका मैंने आपको शो करवाया, तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो अंडे बच्चे करेगा। बाकी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, सेटअप चेंज करते हुए आपका ये होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली अगर आप सही इकदाम करें तो आपको जो है वो नुकसान इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता, क्योंकि वो
फिर शिफ्टिंग के बाद जो है वो बिल्कुल टाइम नहीं लेते ब्रीडिंग में और फौरन जो है वो ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा ये है कि एक्चुअली एक्चुअली ऐसा है कि फौरन जो है वो ये चीज़ें हैं हर किसी इंसान को नहीं आएंगी। कहने का मेरा मकसद ये है कि आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी जो है वो भी मैटर करेगा कि आप जो है वो किस एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप परिंदे रखते रहेंगे आप उनके जो है बिहेवियर से आपको पता लगता रहेगा कि वो किस बिहेवियर के हैं। बहुत सारे जोड़े अच्छे होते हैं, बहुत जोड़े बहुत जो है वो गुस्से के मालिक होते हैं। ज़रा सा उन्हें छेड़ने से वो जो है वो या तो बच्चों को फीड करवाना छोड़ देते हैं या अंडे वगैरह जो है वो ख़राब कर देते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि ये सेटअप तो माशाल्लाह से मैंने अब शिफ्ट कर दिया। मुझे इसके अंदर ऐसा है कि यहाँ पे धूप का थोड़ा सा मसला है, दोपहर को धूप आती है तो इनको थोड़ी सी लग जाती है। तो अब ऐसा है कि कबूतरों को थोड़ी सी धूप लगवाने के लिए इनके पर जो है वो बांध के या काट दूंगा मैं, और इनको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ा करूँगा ताकि जो है इनको धूप लगे। वैसे तो ये चल फिर रहे हैं, इनसे इनको कोई भी मसला नहीं होगा। और इनके उड़ने के लिए जो है वो दीवारों पे मैं ये दो चार जो है वो स्टिक्स भी लगा दूंगा ताकि जो है वो वहाँ जाकर बैठ जाएं और उड़ने फिरने उड़ेंगे तो इनको जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी वाला ये बर्तन रखेंगे तो ये माशाल्लाह से जो है वो अगर नहा लेंगे तो इनके साथ इनकी मौसमी जो है बीमारियों का इलाज होता रहेगा। ओके, इसी के साथ ये और एक्चुअली एक आखिरी बात जो रह गई मैंने आपको दिखानी थी। मेरे एक्चुअली घर के साथ ही एक कबूतर बास कह लें जिनको सीलों का शौक है, मैं आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ। और ऊपर बाजी के कबूतर उड़ रहे थे और वो उन कबूतरों को जो है वो पकड़ने पकड़ रहे थे। अगर आप देख सकें ये देखिए जाल, घर के पास तकरीबन जो है वो 25-30 साल से जो है वो शौक कर रहे हैं अगर आप देख सकें। तो मुझे नहीं पता कि ये बाजियों में जो है वो लगाते हैं, लेकिन इनके बकौल वो बाजियां नहीं लगाते, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। अभी यहाँ पे तीन कबूतर जो है वो बाजी वाले उड़ रहे थे, रंग लगे हुए थे उनको, तो ये पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक कबूतर इनका ये उड़ रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मेरे एक आध बच्चा जो ब्रीडिंग से आए गए हैं जितने भी बच्चे आएंगे तो उड़ा के देखेंगे क्या वो घर के पक्के होते हैं कि नहीं। तो बस एक छोटा सा आपको जो है वो अपडेट देनी थी। आप अगर जो है अगर वीडियो जितनी भी आएंगी तो वो इंशाल्लाह इधर ही आएंगी। और इसी के साथ जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।